आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फूल, है ना। फूल कितने तरह का होता है उसको देखेंगे। द क्वालिटी ऑफ फूल डिपेंड अपन द फाइनेस्ट नंबर ऑफ कर्ल्स, लेंथ ऑफ इट्स फाइबर। फॉलोइंग सिस्टम आर एडॉप्टेड इन फूल प्रोसेसिंग। बता रहे कितना को, इसको कल देखे थे हम लोग, कितने फाइन होते हैं, नंबर ऑफ कर्ल्स उसमें कितने होते हैं, कर्ल्स है ना, लेंथ पे डिपेंड करता है कि फूल की क्वालिटी कैसी है। पहला क्या बोल रहा है, और स्टेट सिस्टम, ये क्या होता है देखते हैं। इन दिस द वूलन फाइबर आर लेड पैरेलल एंड कम बेट, एज अ रिजल्ट अ वूलन अर्न इज फॉर्म्ड व्हिच इज एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एंड हैज स्मूथ फिनिश। इसको छोड़ो, इसको लिखने की नहीं जरूरत है, कोई बात नहीं है ना। वूलन सिस्टम क्या होता है, द वूलन फाइबर अब डिफरेंट लेंथ आर कंबाइंड टुगेदर। इसमें अलग अलग लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, ये कह रहा है लेंथ को ऐड करके लेंथ बड़ा करते हैं। जैसे आप जाते हो लेने तो एक ही तो उतना बड़ा होगा नहीं, तो उसमें क्या होता है ऐड करते हैं उसको किसी तरीके से, है ना, उसको घुमा घुमा के उसको हम लोग क्या बड़े करते हैं। दस सेपरेटिंग लॉन्ग फ्रॉम द शॉर्ट फाइबर, शॉर्ट फाइबर से बड़े बड़े रेशे को क्या करना, अलग करना। द शॉर्ट फाइबर आर कॉर्डेड एंड लॉन्ग फाइबर आर देन फॉर्म इंटू द स्मूथ कॉम्पैक्ट स्ट्रैंड एंड देन स्पर्म फॉर्मिंग वूलन यार्न। उसके लिए बड़े बड़े निकाल लेंगे आप उसको, एक जगह क्या करेंगे कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, उसी का आगे हम लोग यूज़ करते हैं। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिल्क देख लेते हैं आगे क्या होता है ना। टाइप्स ऑफ वूल में आपको बस हेडिंग लिख लेना है दो तरीके के बस, इससे और ज़्यादा कुछ इसमें हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। सिल्क देखते हैं, वॉट इज सिल्क, है ना। सिल्क न्यू हेडिंग आपके यहाँ से लगी है ना, वहाँ से आपका वूल ख़त्म हुआ। सिल्क के बारे में देखते हैं, व्हाट इज सिल्क। सिल्क इज अ सिल्क डेफिनेशन आपको क्या लिखना है, सिल्क इज अ स्ट्रॉन्ग बट लाइट एंड सॉफ्ट क्लोथ हैविंग शाइनिंग सरफेस, है ना। ये फर्स्ट लाइन, द सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ्स, है ना, सिल्क वॉर्म, है ना। सिल्क वॉर्म सिंपल भाषा में कह सकते हैं, इसका पूरे मतलब क्या है, सिल्क मॉथ्स का मतलब हुआ सिल्क वॉर्म होता है ना, जो क्लास फोर्थ से आप लोग सिल्क वॉर्म आप लोग देख सकते हैं फिगर में, है ना। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, ये आपको लिखना है, ये आता है पेपर में। सिल्क इज स्ट्रांग, यहाँ से लिखना है आपको, सिल्क इज स्ट्रांग, सिल्क इज अ स्ट्रांग बट लाइट एंड सॉफ्ट क्लोथ हैविंग शाइनिंग सरफेस, हो गया। उसके बाद आपको लिखना है द सिल्क फाइबर, द सिल्क फाइबर इसको सेकेंड नंबर में, द सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन्स आप सिल्क मॉथ्स आर कोकोन्स, इस पूरे का मतलब आपका क्या हुआ, सिल्क वॉर्म, है ना। तो आप इस पूरे को लिखिए, या तो इसके जगह क्या लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए। तो इसका जैसे आप यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है फिर ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब इस वर्ड का इसमें क्या एक्सप्लानेशन लिखा गया, इसके बारे में लिखा गया है ना, तो आपको इसे समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। चलो, द रेयरिंग ऑफ सिल्क, द रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरी कल्चर, है ना। रेयरिंग इसका सिल्क का रेयरिंग करना मोथ्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरी कल्चर, इसको भी आपको लिख लेना है ना। सेरी कल्चर, व्हाट इज सेरी कल्चर, आता है व्हाट इज सेरी कल्चर, डू यू नो, पढ़ लेना इसको। द बर्निंग टेस्ट इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई सिल्क। बर्निंग एक प्रोसेस है कि आप सिल्क को जलाओगे ना तो जल जाता है बहुत आसानी से, शायद इसमें यही लिखा होगा। अनबर्निंग सिल्क लिप्स अ पाउडरी एश एंड विल एक्सटिंग्यूश इटसेल्फ व्हेन द फ्लेम इज रिमूव, इट बर्न विथ डिसएग्रीएबल स्मेल। सिल्क की पत्ती जो कह रहा है ऐसे बिना किसी स्मेल के जलने जलती हुई चली जाती है, अदर कुछ है नहीं। करेक्टरिस्टिक आपका इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क, है ना, यहीं तक देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं देखेंगे। सिल्क इज वाइडली यूज टू मेड, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ड्रेसेस बनाने के लिए, है ना। कर्टन क्या, पर्दा होता है ना, पर्दा बनाने के लिए,
बेडशीट बनाने के लिए इटीसी है ना। देयर आर सम प्रॉपर्टी विच मेक इट सो यूजफुल, इसको आपको पूरा नहीं लिखना, यहाँ से लिखना है ना। सिल्क इज शाइनी एंड सॉफ्ट फैब्रिक, एक नंबर में करेक्टरिस्टिक पहले हेडिंग लगानी है आपको, उसके बाद इसको लिखना है सिल्क इज शाइनी एंड सॉफ्ट फाइबर, इट रिमेंस कूल इन समर है ना। गर्मी के मौसम में क्या होता है, कूलिंग हमारे बॉडी को देता है, एंड वार्म इन विंटर, विंटर में क्या होता है, गर्म होता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एंड कैन बी डाई इजली, और इसको डाइट भी इजली किया जा सकता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ आर नेचुरल फाइबर, सभी नेचुरल फाइबर में सबसे स्ट्रांग यही होता है। तो आपको सबसे सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ्स है ना, मोथ्स ये जो कीड़े होते हैं ना, उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है उसमें यही समझाया गया है, जो कि काफ़ी लंबा टॉपिक है ना। तो देख लेते हैं, कुछ आज कवर करते हैं, कुछ कल कर लेंगे है ना। देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखाया है, क्या कह रहा है द लाइफ साइकिल, काफ़ी लॉन्ग आंसर आपका इसका बनेगा, इसलिए बेहतर होगा कभी से समझ लीजिए है ना, पॉइंट वाइज करके नोट भी करने होंगे। द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स, कितने कितने स्टेप होते हैं, सारे स्टेप बता रहा है मॉथ्स के लिए है ना, कीट जो होते हैं उसके लाइफ साइकिल के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया है। द फीमेल सिल्क, जो फीमेल होती है, फीमेल सिल्क मॉथ ले लेग मतलब देना होता है पेल येलो एग्स है ना, हल्का येलो कलर की एग देती है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केकॉन बोल रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क, जो मदर होगी वही तो देगी है ना, पेल येलो मतलब हल्का पीला कलर का एग देती है, फ्यू हंड्रेड लगभग हंड्रेड में देती है, देख लीजिए, एट अ टाइम एक समय में, ऑन अ लिप्स ऑफ मलबेरी, मलबेरी जो शहतूत होते हैं ना, तूत कहते हैं हम लोग, शहतूत के पत्तों पे दे देती है एक लगभग हंड्रेड के नंबर में है ना। अब देखिए एक के बाद होता क्या है ना, आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद क्या होता है, द फर्टाइल एग टर्न ग्रे, जो एग यहाँ पे फर्टाइल हुआ है ना, जो एग उसने दी है कौन मॉथ्स ने, कैसा हो जाता है, टर्न ग्रे, ग्रे कलर का हो जाता है। द एग हैच, क्या होता है, फूट जाता है टू फॉर्म वॉर्म लाइक लार्वा है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे देखिए, फूटा है ना, हैच मतलब फूट जाना, फूट जाता है, और उसमें से लार्वा विच इज कॉल्ड, लार्वा बाहर निकल जाता है, विच इज कॉल्ड कैटरपिलर आर सिल्क वॉर्म, इसी को हम लोग सिल्क वॉर्म कहते हैं ना, देखिए यही तो है ना, निकला है ठीक। फिर आगे देखिए, इसी को हम लोग सिल्क वॉर्म कह रहे हैं, प्यूपा है 10 to 12, कितना फास्ट प्रोसेसर है, देखिए यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे एग हुआ, इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे बच्चे निकल गए, इमर्जेस फ्रॉम द कोकून है ना, अंडे के छिलके से। द सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लिप्स ऑफ द मेलिबर ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज, अच्छा तो अब सिल्क वॉर्म तो वहाँ बन गया, तो उसको खाने पीने के लिए कहाँ से, तो सिल्क वॉर्म फीड, फीड मतलब फूड लेता है कहाँ, ऑन लिप्स बाई मेलिबर, जो शहतूत की पत्ती होती है वहीं से अपना फूड लेता है ट्री से, एंड द बिगर इन साइज, और साइज में बड़ा होता रहता है। ड्यूरिंग द लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेज में जब होता है वो छोटा होता है, द सिल्क वॉर्म शेड देयर स्किन 4 times, जब एक छोटा बच्चा होता है 4 टाइम में सिल्क होता है ना, अपने स्किन को 4 times क्या करता है, जैसे होते हैं ना अपने स्किन, जैसे आप सर्फ को सुने होंगे, सर्फ अपना स्किन उतारता है, तो ये भी 4 times अपने स्किन को क्या करती है, ले आउट करती है ना, सेट करती है। वाइल दे ग्रो, अपने ग्रो वाले स्टेज में, द सिल्क वॉर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद क्या होती है, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए ये हो जाती है, एंड स्टेज ऑफ इट डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा, इसको हमने क्या बोल दिया, प्यूपा, देखिए प्यूपा बन गई यहाँ पे है ना, प्यूपा, प्यूपा स्टार्ट प्रोड्यूसिंग थ्रेड, प्यूपा क्या करता है यहाँ पे देखिए, प्यूपा ही जो होता है आपका थ्रेड बनाना शुरू करता है, धागा बनाना शुरू करता है, जो जाली नुमा होता है ना, थ्रेड फ्रॉम दी टू सेलेवरी ग्लैंड्स, इसमें दो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनके थ्रू ये क्या बनता है, अपना थ्रेड बनाना शुरू करता है, लोकेटेड इन
इट्स हेड, जो कि उनके हेड में देख सकते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मूंछ की तरह, है ना, नहीं दिख सकता है आपको, वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, आप इसको साइकिल को अच्छे से देख सकते हैं, है ना, आपके बुक में बनी होगी। तो इसमें हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कई बार रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि सारी बुक लिखना कोई नेसेसरी है नहीं, तो आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, है ना, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा लिखना, हर स्टेप आपको याद होना चाहिए। द फाइबर मेड अप आप प्रोटीन, फाइबर किससे बना था, प्रोटीन्स की, 100 आप एक्सपोजर टू एयर एंड फॉर्म अराउंड कवर अराउंड प्यूपा, दिस इज कॉल्ड कोकोन, जो प्यूपा के चारों तरफ कवरिंग होती है उसको क्या बोल रहा है यहाँ पे, कोकोन बोल रहा है ना। फेन द प्यूपा इनक्लोज्ड विथ कोकोन डेवलप्ड फुली टू फॉर्म अ सिल्क मॉथ, देन द कोकोन स्प्लिट अप एंड अ ब्यूटिफुल सिल्क मॉथ कम्स आउट, है ना, सही बात, जो प्यूपा जो आपको कोकोन जो है हैच होगा फूट जाएगा, तो उसमें से अच्छा सा सिल्क वर्म क्या होगा बाहर निकल आता है, उसके बच्चे के बारे में बात कर रहा है। रियरिंग ऑफ सिल्क कल देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है करेंगे, है ना, और ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं। आप लोग इसके आगे कुछ लिखना नहीं है, पॉइंट वाइज में लिखना है, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको, ऑब्जेक्टिव सारे लिखने हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अभी रहने देना नहीं करना है, ट्रू फॉल्स करना है, ट्रू फॉल्स, है ना, आपको दिया गया ट्रू फॉल्स पूरा लगा भी है। उसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या है, व्हाट इज शेयरिंग की डेफिनेशन लिखना है, इसको आप लिख चुके हो। नेम देखो, आप लोग जो हेडिंग मिले हो, जैसे व्हाट इज शेयरिंग आप लिख चुके हो, तो यहाँ पे फिर से दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको क्वेश्चन आंसर। नेम द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द वूल फ्रॉम द शिप्स, ए भी आप लिख चुके हो, जो 6 स्टेप थे पूरा लिख चुके हो। डिफाइन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर वही छोटा सा डेफिनेशन था, है ना, सिल्क में आया था जो, तो एक लाइन का था। नेम द इंडियन ब्रीड ऑफ द शिप टू यील्ड, इसको अभी पढ़ना हम लोगों को, इसका तो आप कर ही चुके हो, फुल फॉर्म IWS का, बस एक ही क्वेश्चन बचा है, है ना, और बस आपका ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जो हमने दिया है इसको आप क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक। तो इसी के साथ क्लास को स्टॉप करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, आपका होमवर्क यही होगा छुट्टी के लिए कि आपको सारी चीज़ें याद करनी है, एक पेज डेली राइटिंग लिखनी है आपको, डेली 1 पेज राइटिंग लिखना है, स्कूल खुलने पे दिखाना है सबको, ठीक, और जो लिखवाए हैं सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, लिख लिख के याद करनी है, और जो आप याद करोगे उसी को लिखना भी है, वही आपकी राइटिंग भी होगी, ठीक है, चलिए, थैंक यू।